सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है जसमिंदर पाल सिंह और सिंह आर्चरी के इस वीडियो में मैं आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है हाइब्रिड तुर्किश कमान के ऊपर, जो हमारे पास आया है टर्की से और इसे बनाया है सिमसेक बोज ने। इस कमान के ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। मैंने तीन कमान पर वीडियो बनाए थे, उनमें से यह एक कमान है और आज मैं इसकी परफॉर्मेंस को लेकर ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। तो चलिए, आइए आपको दिखाते हैं ये कमान। दोस्तों, एक कमान का इस्तेमाल करने से पहले, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि इसकी हैंडल की हम रैपिंग करेंगे, तो आइए पहले हम इसकी रैपिंग कर लेते हैं ताकि इस कमान के आर्ट को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। दोस्तों, ये रैपिंग के बाद ये ऐसा बन गया है और इस्तेमाल करने के लिए हैंडल ठीक है, किसी प्रकार का कोई नुकसान इसे नहीं पहुंचेगा। दोनों तरफ हमने ब्लैक टेपिंग कर दी है। अगर तीर की चलने की वजह से ये अगर खराब भी होता है तो आप इसको दोबारा से इसके ऊपर और रैपिंग कर सकते हैं या इसे आप हटाकर नई रैपिंग कर सकते हैं, तो ये सेफ है। आर्ट आप देख सकते हैं, मैं एक बार फिर दिखा देता हूं। टोटल इसकी ओवरऑल जो लंबाई है वो 43 इंच की है और इसकी जो चौड़ाई है लिम्स की, ये 1 इंच की है, मात्र 1 इंच की, और यहाँ पर ये और भी कम हो जाता है, ये 1 इंच से 2 पॉइंट कम हो जाता है। ये एरोपास छोटा होने के कारण इसकी एक्यूरेसी लेवल बहुत बढ़िया है और बहुत बढ़िया सटीक निशाना देता है। इसकी जो ब्रेस हाइट है वो 7 इंच की है। अगर आप गौर से देखेंगे, इसका जो कसान है ये बहुत बढ़िया तरीके से, इसमें ये स्पाइन इसकी नज़र आ रही है जो बहुत बढ़िया दिखाई पड़ती है और बिल्कुल ऑथेंटिक कमान की तरह, असली कमान के जैसे ही दिखाई पड़ती है। क्योंकि ये रेजिन का बना हुआ है कमान और इसको शेप बहुत अच्छी दी गई है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, जैसे कि उन्होंने म्यूजियम में जो कमान होते हैं उसी प्रकार के। तेजिप आर्ट आप देख ही चुके हैं इसका। इसका जो लूप है स्ट्रिंग का, ये ग्रूव में एकदम सही टिकाने पर टिक कर बैठ जाता है, जिससे कि इसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। वाइब्रेशन नहीं है, एक ना के बराबर। 43 LBS का ये कमान है। दोस्तों, आइए हम इसका लेड इन वेट भी देख लेते हैं कि इसका भार कितना है। दोस्तों, 330 ग्राम का है टोटल, आप देख सकते हैं। तो कोई भार नहीं है, ना के बराबर। और इसका मैं पाउंडेज वर्सेस ड्रॉ वेट का मैं एनालिसिस भी आपको अभी दिखाऊंगा। लो, आपको दिखा देते हैं। बहुत बढ़िया स्मूथ ड्रॉ। एकदम दुरुस्त। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, हम इसका हम स्पीड टेस्ट करते हैं और हम इसको देखेंगे कि इसका पाउंडेज वर्सेस ड्रॉ वेट एनालिसिस क्या दिखाता है हमें।
दोस्तों ये हमारा पाउंडेज वर्सेस ड्रॉ एनालिसिस, इससे हमें ये पता लगा कि ये 28 इंच पर हमें असल में 43.8 की पाउंडेज देता है और ये मैक्सिमम हम इसे 32 इंच तक खींच सकते हैं और 32 इंच पर खींचे जाने पर ये हमें 56.8 की पाउंडेज देता है। इसके साथ ही इस कमान को हम रिकमेंडेशन तो है 30 इंच तक खींचने के लिए, लेकिन जब हम इसका एनालिसिस कर रहे थे उस टाइम हमें ये भी पता लगा कि 20 इंच तक जब हम इसको खींचते हैं तो ये हमें 25 की पाउंडेज दे रहा है, 25 LVS की। उस वक्त ये थोड़ा टाइट रहता है लेकिन 20 इंच के बाद ये हमें बहुत ही स्मूथ और पावरफुल पाउंडेज देता है। 28 इंच पर खींचने पर ये हमें 43.8 की पाउंडेज दे रहा है और लेकिन उसके बाद इसका जो ड्रॉ कर्व है वो एकदम ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है, एलिवेट हो जाता है और 29 इंच पर ये हमें 48 LVS की पावर दे रहा है, 30 इंच पर पहुंचने पर ये हमें 52 इंच की पाउंडेज दे रहा है और 32 इंच पर जब ये पहुंच जाता है तो वहां पर वो रुक जाता है, स्टैक हो जाता है। उस वक्त ये हमें मैक्सिमम पाउंडेज 56.8 LVS की देता है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखा जाए कि इस कमान को 30 इंच तक आइडली खींचा जाए ताकि आपको बढ़िया परफॉर्मेंस भी मिले और इसके साथ इसकी लाइफ भी बरकरार रहे। दोस्तों आइए ऑटोमन सिपाही प्लस का हम स्पीड टेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या परफॉर्मेंस दे रहा है। दोस्तों ये है पाइनवुड एरो फ्रॉम टर्की, 28 ग्राम्स। FPS 166। दोस्तों ये है मेपल वुड एरो 31 ग्राम्स। मेपल वुड एरो, दिस इज फ्रॉम सरमाट R3 यूक्रेन, डुप्लीकेट 163 FPS। दोस्तों ये है टॉनकिन बेम्बू एरो फ्रॉम चाइना, 25 ग्राम्स। Another Tonkin bamboo. 171 FPS। दोस्तों ये है शिलोंग बेम्बू एरो फ्रॉम इंडिया, 22 ग्राम्स। 186 FPS। दोस्तों ये है शिलोंग बेम्बू एरो नदर, 21 ग्राम्स। 191 FPS। दोस्तों ये है ट्राइबल बेम्बू एरो, ये भील ट्राइब का बनाया हुआ है, राजस्थान से है। 165 FPS, अनदर भील ट्राइबल एरो। 168 FPS। दोस्तों दिस इज प्योर कार्बन कैमो एरो, 28 ग्राम्स। 160 FPS, अनदर कैमो एरो, दिस इज 400 स्पाइन। 153 FPS। दोस्तों यह है इंडियन मणिपुरी एरो,
24 ग्राम्स। FPS सेम। मणिपुरी बैम्बू 24 ग्राम्स वेट। FPS दिस इज 10-रिंग स्पोर्ट्स एरो 600 स्पाइन 22 ग्राम्स प्योर कार्बन एरो। FPS सेम। FPS टॉनकिन बेम्बू एरो 169 FPS शिलोंग बेम्बू एरो 191 FPS। आइए इसका रिव्यू करते हैं। हाईएस्ट है 191 FPS, लोएस्ट इज 153 FPS, एवरेज इज 170 FPS। तो दोस्तों अभी आपने इसका ड्रॉ कर्व एनालिसिस भी देख लिया है और आपने इसका स्पीड टेस्ट भी देख लिया है। तो ओवरऑल में ये कमान मुझे बहुत बढ़िया लगा पर्सनली। इसकी एक्यूरेसी लेवल बहुत बढ़िया है, चलने में अच्छा है और इसे आप कॉम्पिटिशन्स में भी यूज़ कर सकते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आर्ट का तो कोई जवाब ही नहीं है, लाजवाब इस पर तेजी पाठ हुआ पड़ा है। आपको ये कमान कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपने राय ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कमान इस तरीके का लेना है तो आप सिंगार्ची से संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सिमसेक बोस का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर उनसे ये कमान खरीद सकते हैं उनकी वेबसाइट के ज़रिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले कमान के साथ एक अगले रिव्यू पर। तब तक के लिए शब्बा खैर, ऑल द बेस्ट, विश यू गुड लक, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।